अभी कैसे हैं, क्योंकि इधर तो ये कहा जा रहा है कि अफसरों ने सही समय पर इसका आकलन नहीं किया, जिसका खामियाजा अब खुद सरकार को भुगतना पड़ रहा है। वहां पर भी आते ही जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही थी, वही किसान आज सड़क पर है यूरिया के मामले को लेकर। देखिए, ये काफी बड़ी बात है क्योंकि इलेक्शन के दौरान एक तो ये है कि राजस्थान के अंदर चुनाव में लग रहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किसानों पर फोकस नहीं किया कि यूरिया की डिमांड होगी, और उसके बाद में जब सरकार बनी तब जल्दी असेसमेंट भेजना था और व्यवस्था करनी थी, लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल अपनी व्यवस्थाओं में बिजी रहे, उसकी वजह से ये इस पर फोकस नहीं किया गया और क्राइसिस बढ़ गया। अकेले हाड़ोती डिवीजन के अंदर आप जो वहाँ इंतजाम है, तकरीबन 50 लाख मीट्रिक टन यूरिया की कमी है, तो वो अब इंतजाम करने के लिए आनंद फानंद में इंतजाम किया जा रहा है, या सेक्रेटरी को दिल्ली भिजवाया गया, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली के अंदर भी है, हो सकता हो कि वो भी केंद्र सरकार से बात करें, इंतजाम करने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि फील्ड में डिमांड ज्यादा है और पूरे जो कोटा डिवीजन है वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जिलों के अंदर जगह जगह पर पुलिस बुलानी पड़ रही है और पुलिस थानों के अंदर खाद का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो भवानी यही है कि कितने दिनों में ये संकट हल हो पाएगा, क्या कुछ लग रहा है वहाँ पर? देखिए, अब ये इस पर निर्भर करता है कि जो केंद्र सरकार से बात होती है राज्य सरकार की, कितने जल्दी वहाँ से यूरिया का इंतजाम होकर आप जो ट्रेन है वो रेक से वहाँ से रवाना कर दी जाती है और कितनी जल्दी वहाँ पर फील्ड में पहुँचती है, क्योंकि इस पूरी सप्लाई के अंदर भी काफी टाइम लगता है, ऑर्डर होता है उसके बाद में पहले मीटिंग्स होती तय होता है, फिर उसके बाद में डिमांड पे बातचीत होती है, एक ये भी प्रोसेस है जो सरकारी समय लेता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो काफी वक्त होता है और वो वक्त भी किसानों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि किसानों की दिक्कत ये है कि एक टाइम होता है फसल का, उस टाइम उनको खाद देना होता है, अगर उस टाइम उपलब्ध नहीं होता है, लेट होता है, तो उनके लिए कोई काम का नहीं। जी जाहिर सी बात है मनोज, वहाँ पर स्थिति क्या लग रही है, क्योंकि हालांकि कंट्रोल करने के लिए खुद कृषि मंत्री से भी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी क्या लग रहा है, वक्त कितना लग सकता है संकट को सुलझाने में? सवाल वही है कि जो काम आपसे 2 महीने पहले होना था, मैंने अभी आपको बताया कि आनावारी की जो बात है, जो काम 2 महीने पहले होना था, कितनी फसल कितने इलाके में कितने क्षेत्र में बोई गई है उसके हिसाब से जरूरत क्या है, तो वो 1-2 दिन का काम नहीं है कि एक दिन में हमने आज हमें लगा कि ये कमी हो गई और आज हमने लिख के भेजा और अगले तीसरे दिन आके यूरिया पूरी तादाद में तमाम 51 जिलों में पहुंच गया है, ये 1 दिन का काम नहीं है। जाहिर तौर पर अगर किसान, अगर ये पहले से अफसरों ने इस पर काम नहीं किया था तो पूरे तमाम किसान जो है 51 जिलों में, अभी वो किसान उठकर आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, कई जिले ऐसे हैं जिनमें आने वाले 4 दिन बाद दिक्कत सामने आएगी, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास अभी किसी किसान के पास 2 बोरी यूरिया रखा है और वो सोच रहा है कि अभी काम चल जाएगा और अगले 3 दिन बाद में फिर ले लूंगा, लेकिन जब वो 3 दिन बाद पहुंचेगा सोसाइटी में तो उसे यूरिया नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो दिक्कत है वो आगे चलकर अगर सप्लाई नहीं हुई है, अगर जो आंकड़े हमारे सामने हैं कि 1.5 लाख मीट्रिक टन की कमी खाद की मध्य प्रदेश के 51 जिलों में है, और अगर ये सप्लाई आज तक नहीं हुई है तो आने वाले दिनों में किसानों को और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, एक तरफ किसानों की हिमायती सरकार बनती नजर आई थी क्योंकि कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूरिया सही समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा और इसीलिए नाराज किसान सड़कों पर है, बड़ी चुनौती दोनों सरकारों के लिए, नजर आप बनाए रखिए। प्रयागराज में लग रहे कुंभ मेले में राम मंदिर समेत दूसरे मुद्दों को लेकर होने वाली धर्म संसद पर साधु संत 2 खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। वीएचपी ने कुंभ मेले में 21 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद बुलाई है, लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वीएचपी की धर्म संसद से पहले ही 28 से 31 जनवरी तक परम धर्म संसद बुलाई है। वीएचपी की धर्म संसद की तरह स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद में भी मंदिर मुद्दे पर ही चर्चा होगी, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है कि वीएचपी बीजेपी के साथ मिलकर राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। स्वामी अभिमुक्त सरस्वती के मुताबिक वीएचपी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और चुनाव के वक्त ही वीएचपी को मंदिर मुद्दा याद आता है। मैं तो देखिए, सच बात यह है कि इस समय तो विश्व हिंदू परिषद का पूरा कुनबा इसी काम में लग गया है कि कैसे देश को गुमराह करो। जो इन्होंने कहा था वो कर नहीं पाए, करते दिखे भी नहीं, समस्या ये है। अगर ये करते दिखते और कर ना पाते तो भी एक आदमी क्षमा करता, भाई बड़ा कोशिश किया नहीं कर पाया बेचारा, लेकिन करते भी नहीं दिखे। 4.5 साल तक तो इनको याद ही नहीं रही कि अयोध्या भी कोई नगरी है।
ईस्वी सन 10 में फैसला हुआ और उसी के ठीक बाद सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में चली गईं। आज ईस्वी सन 18 चल रहा है, 8 साल का लंबा समय हो गया। 8 साल तक देरी नहीं लग रही थी और 2 महीना देरी लग नहीं गई क्योंकि सामने चुनाव है। तो आप जब चुनाव को रख करके राम मंदिर को देखते हो और राम मंदिर के बारे में आपको पीड़ा बढ़ती घटती है, तो ये राम मंदिर चुनाव का विषय नहीं है, ये राम मंदिर हमारे हृदय का विषय है, आस्था का विषय है। संतों की मांग और सरसंचालक जी जब मांग कर लिया है तो उसको सारा संगठन परिवार और हमसे जुड़े जो संत हैं वो सभी लोग एक स्वर से यही मांग कर रहे हैं जो सरसंचालक जी ने मांगा है। अमित शाह जी से और सभी राम भक्त से चाहेंगे कि भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली पर यथाशीघ्र भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो, सभी बाधाएं दूर करके, ऐसा विश्व हिंदू परिषद परिवार चाहता है, सभी संघ परिवार के लोग भी चाहते हैं, संत समाज चाहता है, हिंदू समाज चाहता है और यहाँ पे रहने वाले हर नागरिक चाहते हैं। और आप अलग से धर्म संसद भी बुला रहे हैं अलग से? हाँ, धर्म संसद तो हम लोगों ने 4 महीने पहले से घोषित कर रखी है। जब काशी में मंदिरों को तोड़ना शुरू किया गया केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा, उसी मंदिर बचाओ आंदोलन के अंतर्गत ही इसकी घोषणा हो गई थी कि प्रयाग में परम धर्म संसद होगी काशी के बाद। तो हम लोगों के पहले से घोषित है और निश्चित रूप से होगी, कल भूमि पूजन भी हो चुका है। जी अच्छी बात है जी, बिल्कुल मानी जी होने चाहिए, इसमें कोई दरा नहीं है। देखिए ये तो कुंभ की वो पवित्र भूमि है जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, बिना किसी इन्विटेशन के आते हैं। आपको बताए विश्व का सबसे बड़ा मेला और धार्मिक आयोजन है और पूज्य संत अलग अलग अपने अपने डेरों में अलग अलग तरह की अपनी धर्म सभाएं भी करते हैं और ये एक हमारी प्रथा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सबकी पूज्य संतों की बात हो या कुंभ में आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री की बात हो, सबकी एक ही इच्छा है, एक ही भाव है, एक ही मांग है कि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर शीघ्र बनना चाहिए। और वर्तमान सरकार चूंकि कमिटेड है इसलिए उसको तुरंत संसदीय कानून के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि ये आज का कमिटमेंट नहीं है इनका, 1989 से कमिटेड है और अभी जो संसदीय जो हर चुनावी घोषणा पत्र में इनका जिक्र किया हुआ है जी। तो आखिरकार ये वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है स्वामी जी? लेकिन आपको इस धर्म संसद में राजनीतिज्ञों के आने पर आपत्ति क्यों है? किस धर्म संसद में राजनीतिज्ञों के आने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो सभी 33 दलों के लोगों को उसमें सीट रखी है, 33 सीट तो राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए निश्चित है हमारे यहाँ, हमको क्या आपत्ति है? हम तो चाहते हैं कि वो आए बैठे समझे हमारी पीड़ा को और जो देश की संसद है उसमें भी जा करके उठाए, हम कहाँ परहेज रख रहे हैं जी। नहीं तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था कि फिर आप अलग से क्यों कर रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं बीएचपी की धर्म संसद का? अलग से इसलिए कर रहे हैं कि बीएचपी की धर्म संसद से हम नहीं, हम किसी संस्था की बात नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा राम जन्मभूमि का चला गया है और 8 साल बीत चुके हैं, अभी तक कभी ऐसी संसद निकल करके कोई नहीं आई कि देर हो रही है। और जब अब 2 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 2 महीने बाद हम तय करेंगे तो चारों तरफ से आवाज आने लगी, देरी नहीं कहेंगे, देरी नहीं कहेंगे, फिर आप इसमें ऐसा क्या प्रस्ताव लाने वाले? अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है, हम अकेले थोड़े प्रस्ताव ला रहे हैं, 1008 लोग हमारे बैठेंगे, वो जो तय करेंगे वो घोषित किया जाएगा। और क्या एजेंडा इसमें और होने वाला है? इसमें एजेंडा काशी में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण में विलंब किया जा रहा है और सनातन धर्म की दूसरी समस्याएं गंगा की धारा और गौ रक्षा, इसी तरह से मुद्दे हैं जी। देखिए हिमानी जी, ये जो मामला है मानी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित भले ही हो, लेकिन मानी सर्वोच्च न्यायालय का रुख जो है हमने जो अगस्त 2017 में देखा और उसके बाद में हमने सितंबर 2018 में देखा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पूज्य संतों का कहना था उस समय तक जब अगस्त 17 में सुनवाई शुरू हुई थी कभी लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई करके इस मामले का जल्दी जल्दी समाधान कर देगा जी। यही तो मैं आपसे कह रही थी, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने नहीं जवाब दिया, मैं आपसे फिर कह रही हूं क्योंकि एक सेकंड स्वामी जी, यही तो स्वामी स्वरूपानंद जी भी तो यही कह रहे हैं कि भाई 4.5 साल तक आप कहां थे, तब आपको क्यों नहीं याद आई, अब जब 2 महीने बचे हैं तब फिर आप 2 महीने पहले इस तरह का शोर काट रहे हैं। नहीं, 2 महीने बचे नहीं है, हिंदू समाज ने 500 साल बिताए हैं, आप समझिए ना, पर छाती पर पत्थर रखकर हम एक एक दिन गिन रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो एक जमीन का टुकड़ा है, हमारे लिए मातृभूमि, पूज्य भूमि, पुण्य भूमि है, देव भूमि है, हम उसकी पूजा करना चाहते हैं और हिंदू समाज को उससे विरक्त किया जा रहा है,
आप देखिए बहुत संख्यक हिंदू समाज के इस देश में एक मुट्ठी भर लोग जो है हमारे ऊपर एक आशाता ही बन के आए और उन्होंने भव्य मंदिरों को तोड़ा और आज भी वो ढांचा हमें बेसिकली चिढ़ा रहा था तो उस ढांचे को तोड़ दिया समाप्त हो गया तो मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास क्यों नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये सरकार जिस तरह सोमनाथ को मंदिर बना तो ठीक है, शुक्रिया आपका भी स्वामी जी, आपका भी शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था। बीजेपी नेता बुक्कल नवाब के बाद अब यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हनुमान पर विवादित बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बताया तो वहीं यूपी के मंत्री ने हनुमान को जाट बता दिया। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ के हनुमान की जाति पर दिए गए बयान पर खूब विवाद हुआ था और अब मंत्री ने जाति पर और बीजेपी नेता बुक्कल नवाब ने हनुमान के धर्म पर ही विवादित बयान दे दिया जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी की हनुमान के लिए आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं तो वहीं जेडीयू ने बयान को भगवान का अपमान बताया। जहां तक हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, हनुमान जी मुसलमान थे इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर रहमान, रमजान, फरमान, जीशान, कुर्बान जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समय रखे जाते हैं। जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के चाहे जाने पहचान हो या ना हो वो उसमें ज़रूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता जी सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। भाजपा ने सबसे ज़्यादा यदि किसी को ठगा है तो राम जी को ठगा है। पहले अच्छी खासी इमारत में थे, पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, वो इमारत तोड़ दी, उनको टेंट में ले आए। राम जी तो टेंट में और भाजपा ही जो है मौज में और सत्ता के सुख भोगने का काम कर रहे हैं। राम जी उसको दंड देंगे और निश्चित तौर पर भाजपा 2019 में इस बात के लिए भी दंडित होगी कि इन्होंने राम जी को भी धोखा दिया है और राम जी को भी छोटी राजनीति में घसीटने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के और बुक्कल नवाब तक सब लोग हिंदुओं के इष्ट हनुमान को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, डीग्रेड कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि धर्म के मानने वाले लोगों को इनको डिसऑनर करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं वो भी बीजेपी के हैं लेकिन उन्होंने बयान में हनुमान जी को दलित कहा, गलत कहा। वो अपने सोच के अनुसार कहा, जंगल में रहते थे कह दिया, लेकिन वो क्या है, कहाँ से आए, किस तरह से आए, यदि सादा जानकारी उनको होती तो वो भी दलित कहते नहीं। लेकिन नेता लोग हैं, अपने वोट बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं भाई। एक बात साफ हो गई है कि हनुमान जी सबके हैं और यही तो भारतीय संस्कृति है और भारतीय धर्म है जो कि कहता है कि सब हैं हमारे, तो हनुमान जी को सभी लोग मानते हैं तो हनुमान जी सभी के। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बीजेपी सांसद हरिओम पांडे ने पार्टी नेता बुक्कल नवाब के उस बयान पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है जिसमें बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बताया था। बुक्कल नवाब जो MLC है उसने बयान दिया है कि हनुमान जी मुसलमान थे, इस तरीके से हमारे देवी देवताओं को मुसलमान और धर्म से उससे जोड़ देना जो कि नितांत निंदनीय और बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है, यह टिप्पणी बंद होनी चाहिए। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बुलंदशहर हिंसा पर दिए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने एक खुला पत्र लिखकर नसीरुद्दीन शाह पर हमला बोला है।
एमएलए संजू शर्मा ने अपने खत में लिखा है कि नसीरुद्दीन शाह को दो मौतें दिखाई दे रही हैं। 21 गौ माताओं की मौत नहीं। संजय शर्मा ने अपने खुले पत्र में ये भी लिखा है कि बुलंदशहर गौ हत्या थी और अगर गौ हत्या नहीं रुकी तो ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर हिंसा पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि आज देश में पुलिस ऑफिसर की जान से ज्यादा अहमियत गाय की है। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने कल ये बयान दिया था जिसके बाद खूब सियासी हंगामा हुआ था। बुलंदशहर हिंसा मामले को लेकर यहां तक उन्होंने ये कह दिया था कि उनको इस बात का डर भी सता रहा है कि आने वाली यानी उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा, क्या वो यहां पर सुरक्षित है या फिर नहीं है, और इसी को लेकर अब पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद है। देखिए, नसीरुद्दीन शाह ने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, लेकिन सुर्खियों में रहने के लिए और काम ना रहने की वजह से बेकार हैं आजकल वो, ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है लोग ऐसी बात सोच रहे हैं कि आजकल उनके पास काम नहीं है, इसलिए फ्री टाइम में वो सोचते हैं कि लोगों को टारगेट किया जाए और अपने जो भी देश की जनता ने उनको जो प्यार सम्मान दिया है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। देखिए, देश की जनता समझती है कि जब उसको उनको प्यार सम्मान दिया है और उनको सराहा है, तो आज अगर इस तरह की गलत बातें करेंगे तो देश की जनता उनका भी उन पर आक्रोश रहेगा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट करके नसीरुद्दीन शाह पर हमला बोला। अनिल विज ने अपने ट्वीट में लिखा है, नसीरुद्दीन शाह जी, हम गाय को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना इंसान को। अगर आप भी गाय को उतना ही महत्व देने लग जाएं, तो आप भी चिंताओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। तो एक तरफ जहां बीजेपी नसीरुद्दीन शाह के बयान पर हमलावर है, वहीं एनसीपी ने उनके बचाव में बयान दिया है। बुलंदशहर का हवाला देते हुए नसीरुद्दीन शाह, जो एक काफ़ी सुलझे हुए काफ़ी वरिष्ठ कलाकार हैं और नेशनल अवार्ड याफ्ता व्यक्ति हैं, और कभी हमने देखा नहीं कि वो किसी हिंदू मुसलमान के झगड़े में कहीं कोई उन्होंने गलत बयान दिया हो। आज जो उन्होंने बयान दिया है वो किसी ऐसी नीयत से नहीं दिया कि जिससे कोई इश्तियाल पैदा हो। उनका कहना बुलंदशहर में शर्मनाक बात है, जो मैं दोहरा सकता हूँ। आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान की नाराजगी और पशुपतिनाथ पारस के अल्टीमेटम के बाद एनडीए के कुनबे में एक बार फिर से दरार के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने भी कवायद अब तेज कर दी है। एलजेपी नेताओं के गिले शिकवे को दूर करने के लिए बीजेपी ने आज एक बैठक भी बुलाई है जिसमें सीटों के बंटवारे पर बात होने की संभावना है। इससे पहले कल यानी गुरुवार को अमित शाह की रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ डेढ़ घंटे तक एक बैठक चली थी, हालांकि उसमें कुछ नतीजा निकल नहीं पाया था। लेकिन इस बीच बिहार से नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी नेताओं से हो सकती है। नहीं, हमारे काम से तो खुश ही है, ये तो नहीं करें कि आपके काम से खुश नहीं है। वो अब चाहते हैं जल्दी में कुछ उनका हो जाए और क्या मिलना है उनको, सीट वूट इसका बंटवारा चाहे, मेन वही है, तो हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। जल्दी हो जाए वो तो ठीक है कि जल्दी अब हो जाए, डेस्परेट लोग हो गए तो हो जाना चाहिए।